अल्हम्दुलिल्लाह والصلاه والسلام على رسول الله। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इरशादात की इस मजलिस में हज़रत इमाम नसई, सुनन नसई में, इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुसनद में, और हज़रत इमाम इब्न खुज़ैमा अपनी किताब किताब तौहीद में, और इब्न हिब्बान अपनी सहीह में और अल्बानी अस्सहीहा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस इस तरह बयान करते हैं। तीन बदनसीब ऐसे हैं क़यामत के दिन, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, उसकी इनायत और शफ़क़त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इंसान को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा, मतलब बर्बाद, इनके लिए कोई ठिकाना नहीं। किसी शिफात करने वाले की शिफात, सिफारिश करने वाले की सिफारिश इनके हक में कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखे। इनसे ज़्यादा बदबख्त कोई और हो सकता है? यकीनन आप कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा बदनसीब और सबसे ज़्यादा बदबख्त लोग हैं, लेकिन क्या आप सुनेंगे कि ये कौन लोग हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस में उन तीनों आदमियों का तारुफ कराया गया है। अल-आक़ु लिवालिदैह, सबसे पहला बदनसीब क़यामत के दिन जिसकी तरफ अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखेगा, वो शख्स है जो अपने वालिदैन का नाफरमान, जो शक्ल व सूरत, लिबास, तराश खराश, चाल ढाल, बोल चाल मर्दों की तरह इख्तियार करती है, कपड़े ऐसे पहनती है जैसे मर्द पहनते हैं, बाल ऐसे रखती है जैसे मर्द रखते हैं, चाल ऐसी चलती है जैसे मर्द चलते हैं, बातें ऐसे करती है जैसे मर्द करते हैं, उसके अंदर निस्वानियत नहीं, मर्दानगी की झलक पाई जाती है। समाज में मर्द बनकर रहना चाहती है ये औरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक इतनी मबगूज़, नापसंदीदा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नजर रहमत से उसकी तरफ नहीं देखेगा। और तीसरा, एक वो आदमी जिसको रसूल अकरम ने दयूस फरमाया। दयूस कौन? जो अपने घर वालों के सिलसिले में, अपनी बीवी के सिलसिले में, अपनी बेटियों के सिलसिले में बेगैरत हो जाए। कौन आ रहा है घर में, कौन जा रहा है, कौन उसकी बीवी से बात कर रहा है, कौन उसकी बेटियों से बात कर रहा है। आज हमारे ज़माने में कितने बाप और कितनी माएँ नौजवान लड़कों को अपने घर में सिर्फ इसलिए बुलाती, चराती, खिलाती, पिलाती हैं कि उनके घर की ख्वातीन से नौजवानों के ताल्लुकात हो जाएं और इस ज़रिए से उनको कुछ दुनियावी फायदा हासिल हो जाए। ये दयूस है। दुनिया गुजर जाएगी तुम्हारी, लेकिन कयामत में क्या होगा? जब सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स बनकर तुम कयामत में हाजिर होगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत नजर रहमत से तुम्हें देखना पसंद नहीं करेगा, इससे पहले कि वो दिन आए अपने आप को सुधार लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको निकमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह, दीनी रहनुमाई और दुनियावी मालूमात के लिए हमारा आई प्लस टीवी सैटेलाइट पर वापस आ गया है। देखने के लिए केबल ऑपरेटर को अभी कॉल करें। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 9588888826 पर। देखते रहिए आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए।